इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है इंडिया के काफी फेमस फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल। इनको अभी कुछ ही टाइम पहले पुलिस ने अरेस्ट करा था क्योंकि इन्होंने एक 18 साल के लड़के के साथ काफी ज्यादा ब्रूटल एक्ट करा था, जिस वजह से इनको अरेस्ट किया गया था। अब आप लोग भी बोलोगे कि भाई ये कैसा इंट्रोडक्शन है, बट क्या कर सकते हैं, इनके कारनामे ही कुछ इस टाइप के हैं। काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है इनकी, जिन्हीं में से एक वीडियो आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अब ऐसा क्या है उस वीडियो में जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा वायरल हो रही है, सब जानेंगे आज की वीडियो में, फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज की वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखना। अब जल्दी ही चलते हैं वीडियो के अंदर और बताते हैं आप लोगों को क्या है उस वीडियो के अंदर जिस वजह से लोग रजत दलाल को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप चल रही होगी, सबसे पहले आप इसको देखिए। देखा रजत दलाल की एक काफी पुरानी वीडियो है जहाँ पर वो एक एसयूवी को ड्राइव कर रहे हैं, और ड्राइव से मेरा मतलब था कुछ ज्यादा ही रैश ड्राइव कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोग क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं इतने ज्यादा बिजी रोड पे उनकी गाड़ी आराम से 140 तक टच कर रही है। और अगर बात करें टॉप स्पीड की, तो इस वीडियो में दिखाई गई टॉप स्पीड रही है 143 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है इतनी बिजी रोड पे। और चलाने का तरीका भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा इस वीडियो में, जहाँ पर वो काफी खतरनाक कट मारते हुए ओवरटेक कर रहे हैं काफी सारी गाड़ियों को, जिस दौरान आप इस वीडियो के अंदर देख ही सकते हो 143 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उनकी गाड़ी टकराती है एक स्प्लेंडर से, जिसकी आवाज आप क्लियरली सुन भी सकते हो इस वीडियो में। अगर आप ये कोई और इस सिचुएशन में होता तो आप में से मोस्टली लोग यही करते कि अपनी गाड़ी साइड में रोकते और एक बार जाके उस बाइकर को चेक करते कहीं वो बाइकर सीरियस तो नहीं है या फिर उसे क्या क्या इंजरीज आई हैं। बट इस केस में जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो, एक लेडी बैठी है उनके बगल में जो कि उनको बार बार स्लो डाउन करने के लिए भी बोल रही थी, और जब उनकी कार इस बाइक से टकराई तब भी उन्होंने बोला, बट ऑन द अदर हैंड रजत दलाल ने रिप्लाई करा कि गिरा है तो कोई बात नहीं, ये हमारा रोज का है। और इसके अलावा वीडियो के लास्ट वाली क्लिप में उन्होंने ये तक बोला कि आप उन लोगों में से हो गए कि जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अब इस लाइन से आप या फिर कोई छोटा सा बच्चा सिर्फ एक ही चीज समझ पाएगा, कितने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है रजत दलाल इस सिनेरियो में। अब इसी चीज के रिप्लाई में रजत दलाल अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करते हैं, जिसके अंदर उनका सीधा सीधा कहना होता है कि ये किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है या फिर किसी का तरीका हो सकता है मुझे नीचे दिखाने का, या फिर किसी का तरीका हो सकता है व्यूज लेने का। सबसे पहले आप इनकी स्टोरी देखिए। तो भाई सभी को राम राम, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है मेरे पार्ट पे। भाई बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, मुझे खुद को नहीं पता वो वीडियो कहां से वायरल हुआ है, कहां से आया है। मैं ये उल्टी सीधी चीजें, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, ये बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। जीवन में एक आगे की तरफ दिशा देख के जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि कॉन्स्पिरेसी है, क्या है, किसी चीज में फंसाना है या मेरे नाम से व्यूज लेने हैं, मुझे ईमानदारी से नहीं पता क्या चीज है। अरे मेरे को समझ है भाई, पीछे पास्ट होता है, सबका होता है, पर जीवन में वो सारी चीजें मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका हूँ। तो भाई उम्मीद करूंगा कि इस चीज को थोड़ा सब समझेंगे और जो भी चीज सच होगी सामने आई जाएगी सबके। अगर कहीं से मैं कसूरवार निकलता हूँ तो तुम्हारी जूती मेरा सिर। इस पूरी स्टोरी में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि किसी भी पॉइंट पे रजत दलाल ने अपने आप को गिल्टी साबित नहीं कराया। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरी गलती हुई तो आप लोग ये भी कर सकते हो। लेकिन ये चीज उन्होंने जरूर एड्रेस करी कि ये काफी ज्यादा पुरानी वीडियो है और ये सब चीजें वो काफी पहले छोड़ चुके हैं, बट उसके बावजूद भी अगर आपका ये पास्ट है तो आपको एक बार अपोलोजाइज करना चाहिए। बाकी अगर इंसान से एक बार ऐसी गलती होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में काफी सारी बड़ी बड़ी गलतियां रजत दलाल ने करी है जिसकी वजह से वो अरेस्ट भी हो चुके हैं, तो इस वजह से उनको कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज करा जा रहा है। बाकी भाई अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये काफी ज्यादा लीगल इश्यूज भी ला सकता है, जहाँ पे सबसे पहला केस तो हिट एंड रन का ही बनता है। इसके अलावा भाई अगर इनके टॉपिक को हम साइड रखें, इनके अलावा काफी सारे ड्राइवर्स और भी हैं इंडियन रोड्स पे जो कि भाई ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और मेन कंसर्निंग बात है कि रैश ड्राइविंग करते हैं जो कि भाई काफी सारे एक्सीडेंट का मेन रीजन बनती है। तो आज की वीडियो बनाने का मेन फोकस यही था कि भाई रैश ड्राइविंग करके कुछ नहीं मिलता, आप थोड़े समय के लिए कूल बन सकते हो, लेकिन भाई थोड़ी सी चूक भी काफी भारी पड़ सकती है, तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो और गाड़ी को थोड़ा सा इज्जत से चलाओ। बाकी भाई आपका क्या कहना है इस पूरे टॉपिक में मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और बेहतर डिटेल्स के लिए वेबसाइट विजिट करना बिल्कुल मत भूलना www.exploringtheautomobiles.com। और अगर आप भी मेरे बातों से एग्री करते हो या फिर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेसम, स्टे सेफ, बाय।